everyone. Today we are going to study about gene interactions. Gene interactions दो type का होता है basically. आपके पास inter allelic means between two alleles हम interaction देखेंगे, पर दो alleles जो होते हैं वो एक ही gene के होते हैं, तो इसको हम intragenic भी कह सकते हैं. Likewise second category है intergenic, इसका मतलब दो different genes के बीच में, और दो different genes है इसका मतलब उनके alleles different है, इसलिए हम इसको non allelic interaction भी कहते हैं. जो इंट्रा एलिलिक इंटर एलिलिक और इंट्राजेनिक है उसमें हम दो बेस्ट एग्जांपल्स पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस. एंड हम ये भी मान सकते हैं कि ये जो इंटरेक्शन है जिसमें आप इंट्राजेनिक कह रहे हो या इंटर एलिलिक कह रहे हो, बेसिकली दे रिप्रेजेंट डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ. लॉ ऑफ डोमिनेंस की डेविएशन आप इसको मान सकते हो, क्योंकि वो लॉ क्या कहता है कि एक जीन कम्प्लीटली डोमिनेंट होता है, बट ये बता रहा है कि कुछ केसेस में आपको इनकम्प्लीट भी मिल सकता है और कुछ केसेस में आपको दोनों डोमिनेंट मिल सकते हैं. देन हमारे पास जो इंटरजेनिक इंटरेक्शन है उसमें आपके पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन्स, एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट जीन्स, कोलैबोरेटरी जीन्स. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसको हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको एक प्योर कलर नहीं मिल पाता है. फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं मिराबिलिस जिराफा, 4 o'clock प्लांट आप कॉमनली से कहते हैं. तो हमने फ्लावर कलर कंसिडर किया, फ्लावर कलर में रेड कलर डोमिनेंट, होमोजाइगस आर से हमें रेड कलर मिलता है, और होमोजाइगस रिसेसिव आर आर स्मॉल आर आर से हमें व्हाइट कलर मिलता है. सो जब हमने ये पेरेंट्स लिए जो होमोजाइगस थे, एक होमोजाइगस डोमिनेंट एक होमोजाइगस रिसेसिव, क्रॉसिंग जब हम करेंगे तो हमें F1 जनरेशन में आर एंड आर. तो जनरली अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस ये फॉलो करता तो आर कैपिटल है तो आपको रेड कलर मिलना चाहिए था, बट ये डेविएशन है मेंडल्स लॉ से, क्योंकि आपको एक्चुअल में यहाँ कलर पिंक मिला, मीन्स रेड और व्हाइट का हम कह रहे हैं ब्लेंडिंग हो रहा है और आपके पास पिंक कलर आ रहा है. दिस इज F1 प्रोजेनी. और अगर हम इसकी सेल्फिंग करते हैं, F1 मीन्स आर आर पेरेंट्स, हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हम लेते हैं, तो आपके पास 4 टाइप के जीनोटाइप्स बनेंगे आर आर. तो आपके पास देखा जाए तो यूजुअली ये तीनों ही डोमिनेंट थे, अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करते तो हमें एक फिनोटाइप मिलता, तीनों ही रेड कलर मिलते, तो हम कहते हैं रेशियो एक्चुअल में 3:1 व्हाइट आनी चाहिए थी, बट क्योंकि यहाँ ब्लेंडिंग हो रहा है तो यहाँ पे आपको जो होमोजाइगस है वो तो रेड कलर देगा, बट ये दोनों जो है वो पिंक कलर देंगे क्योंकि यहाँ ब्लेंडिंग हो रहा है, और ये आपके पास व्हाइट. सो आपके पास 1:2:1 की रेशियो हमें मिल रही है. जीनोटिपिक रेशियो पहले भी यही होता था, बट फिनोटिपिक रेशियो हमें 3:1 की मिलती थी. सो अब हमें जीनोटिपिक एज वेल एज फिनोटिपिक, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में ये हमें याद रखना है, जीनोटिपिक एज वेल एज फिनोटिपिक रेशियो सेम है, वो आपको दोनों ही रेशियो मिलती है 1:2:1. फिनोटाइप में भी 1 red, 2 pink and 1 white मिलेगा. सिमिलरली हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं स्नैप ड्रैगन. स्ट्रैप ड्रैगन में हम लीफ शेप ले सकते हैं, तो अगर सपोज लीफ शेप हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल बी होमोजाइगस से हमें मिल रहा है ब्रॉड, और अगर हम रिसेसिव लेते हैं तो उससे हमें मिलता है नैरो. तो अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता तो बी बी जो फर्स्ट प्रोजेनी आया इसमें आपको ये भी ब्रॉड मिलता, बट ये क्योंकि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है तो इसमें जो इसका साइज होता है वो इन दोनों के इंटरमीडिएट होता है. जब हम इसकी सेल्फिंग करेंगे हेट्रोजाइगस पेरेंट्स की, अगर हम सेल्फिंग करते हैं तो आपके पास ये 4 जीनोटाइप्स आ जाएंगे. 4 जीनोटाइप्स में से अब अगेन जो होमोजाइगस है वो तो हमें ब्रॉड फिनोटाइप देगा, ये हमें नैरो फिनोटाइप देगा, बट ये दोनों हमें देंगे इंटरमीडिएट. सो अगेन 1:2:1 फिनोटिपिक एज वेल एज जीनोटिपिक रेशियो जो है वो 1:2:1 हमें मिलेगा. सो ये दोनों एग्जाम्पल क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि कुछ केसेस में डोमिनेंस जो होता है वो कम्प्लीट नहीं होता, तो उसको हम कह सकते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस एंड इनहेरिटेंस एंड इट्स ए डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटर एलिलिक इंटरेक्शन इज कोडोमिनेंस. ये भी डेविएशन है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस से, क्योंकि इसमें हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि कोई भी दो एलील्स जो हम मानेंगे वो इक्वली डोमिनेंट है या हम कहेंगे इक्वली एक्सप्रेस्ड है. फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप सबसे अच्छा एग्जाम्पल है IA IB से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर ब्लड ग्रुप ए प्रेजेंट होता है तो आपके पास या तो IAA होमोजाइगस होगा या फिर IA
हिट्रोसाइकस, तो दोनों ये रिप्रेजेंट करेंगे ब्लड ग्रुप ए। लाइक वाइज ब्लड ग्रुप बी में आपके पास आई बी, आगे डैश हम होमोसाइगस भी शो कर सकते हैं, हिट्रोसाइगस भी शो कर सकते हैं। अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो होमोसाइगस रिसेसिव को हम मानते हैं, बट अगर आई ए आई बी ये प्रेजेंट है तो ए और बी को हम मानते हैं, दे इक्वली एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो दैट मीन्स आपके पास जो ब्लड ग्रुप आएगा वो कौन सा आएगा, ए बी। सो दैट मीन्स ए बी ब्लड ग्रुप में हमें क्या मिल रहा है, को डोमिनेंस मिल रहा है। लाइकवाइज हम कोट कलर ले सकते हैं कैटल में, आपके पास आर आर अगर हम क्रॉसिंग करते हैं और उसके बाद आपके पास ये मिलता है। सेल्फिंग अगर हम करेंगे एफ वन प्रोजेनी की तो आपके पास आगे इस तरह से फोर जीनोटाइप्स आ जाएंगे, जिसमें से आर होमोजाइगस जो है वो तो हमें रेड कलर दे रहा है क्योंकि इसमें कैपिटल आर ही है, तो एक आर की वजह से रेड कलर आता है। अगर वो डोमिनेंट नहीं है तो हमारे पास व्हाइट कलर आता है, बट जब हमारे पास रेड आर भी है और स्मॉल आर भी है तो हम ये मान रहे हैं वो इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं और उस वजह से आपको एक रोन कलर मिलता है। तो इस केस में भी अगर हम देखें तो हमें जो रेशियो मिल रही है वो जेनोटिपिक एज वेल एज फेनोटिपिक रेशियो दोनों में सेम है और 1:2:1 मिलेगा। सिमिलर एग्जांपल एंडोलेशन फाउल्स में देखा गया है कि अगर होमोजाइगस बी दिया है तो दैट मींस दैट रिप्रेजेंट ब्लैक कलर, अगर होमोजाइगस रिसेसिव दिया है तो उसका मतलब है व्हाइट कलर। सो अगर हम सेल्फिंग करते हैं तो आपके पास बी और स्मॉल बी अगर ये आता है, दोनों का क्रॉस अगर हमने किया तो जो एफ वन प्रोजेनी में हेटरोजाइगस आया वो आपको ब्लैक मिलना चाहिए था, लेकिन दोनों ही हम कह रहे हैं इक्वली एक्सप्रेस करते हैं तो कलर जो है हमें वो ब्लू मिलता है। तो इस केस में अगर आप इसकी ही सेल्फिंग करोगे एफ वन जनरेशन की तो हमें फोर जीनोटाइप्स मिलेंगे। अगेन जो रेशियो है वो आपके पास फिर से ये वन ब्लैक, देन ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगे ब्लू, तो 1:2:1 व्हाइट। अगेन आपके पास जो रेशियो आ गया वो 1:2:1 को डोमिनेंस में भी हमें यही रेशियो मिलता है। और ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कुछ केसेस में जो दोनों एलील्स होते हैं वो इक्वली डोमिनेंट होते हैं और वी कैन से दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट है इंटरजेनिक और नॉन एलीलिक इंटरेक्शन, जिसमें हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का मतलब है विच कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, मतलब अगर वो दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगी तो आपको पर्टिकुलर फिनोटाइप मिलेगा, अदरवाइज अगर वो अलोन प्रेजेंट है तो आपको वो पर्टिकुलर फिनोटाइप की एब्सेंस दिखेगी। टू पेयर्स ऑफ नॉन एलीलिक डोमिनेंट जीन्स, मतलब नॉन एलीलिक मतलब दो डिफरेंट जीन्स की हम बात कर रहे हैं और डोमिनेंट जीन्स की हम बात कर रहे हैं, दोनों का जीन लोकस क्या है डिफरेंट है, डिफरेंट लोकेशन है। दे इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस ओनली वन फिनोटिपिक ट्रेट, आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो पर्टिकुलर फिनोटिपिक ट्रेट आपको मिलेगा, बट नीदर ऑफ देम इफ प्रेजेंट अलोन प्रोड्यूसेस फिनोटिपिक ट्रेट इन एब्सेंस ऑफ अदर। अगर एक अलोन प्रेजेंस है और एक अलोन प्रेजेंट है और दूसरे का एब्सेंस है तो आपको वो ट्रेट नहीं मिलेगा। नीदर ऑफ देम इफ प्रेजेंट अलोन प्रोड्यूसेस, अकेला वो नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। एग्जाम्पल हमने लिया जैसे फ्लावर कलर है स्वीट पी में, स्वीट पी बोटानिकल नेम हम ले सकते हैं लिथायरस ओडोरेटस। तो इसमें हमने ये देखा कि ये रिएक्शन चलता है, एक प्रिकर्सर ए है जिसको क्रोमोजन में या प्रिकर्सर बी में कन्वर्ट किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम सी। तो अगर सी डोमिनेंट है दैट मीन्स ये एंजाइम एक्सप्रेस हो रहा है, अगर ये एक्सप्रेस होगा तो प्रिकर्सर ए से आपके पास प्रिकर्सर बी बनेगा। देन नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें एंजाइम पी चाहिए, दैट मींस अगर पी जीन हम डोमिनेंट एलील शो कर रहे हैं तो एंजाइम पी बनेगा। अगर एंजाइम बनेगा तो जो प्रिकर्सर बी है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक पिगमेंट में जिसको हम कहेंगे एंथोसाइनिन, पर्पल पिगमेंट कलर हमें मिलेगा। दैट मींस कि अगर सी और पी दोनों का एक्शन होता है तो आपके पास ये पिगमेंट बनता है। अगर सी अलोन प्रेजेंट है पी नहीं है तो ये वाला स्टेप आगे नहीं हो सकता, तो दैट मींस एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। सिमिलरली अगर पी प्रेजेंट है बट सी नहीं है तो पी जिस सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है वो सबस्ट्रेट नहीं बनेगा क्योंकि सी एंजाइम म्यूटेटेड है, तो ये कन्वर्जन ही नहीं होगा। पी अगर अपना काम कर भी सकता है बट उसके पास सबस्ट्रेट नहीं है इन द एब्सेंस ऑफ सी, सी अपना काम कर देता है तो आगे एंजाइम नहीं है फर्दर इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर हमें सपोज जीनोटाइप दिया है पेरेंट्स का सी एंड दिस, मतलब एक जीन तो डोमिनेंट है बट दूसरा क्या है रिसेसिव, तो इस कलर इस जीनोटाइप के अकॉर्डिंग भी हमें कलर क्या मिलेगा व्हाइट। और सपोज हम इसकी क्रॉसिंग करते हैं विद पेरेंट जिसमें एक पी डोमिनेंट है, पर एक ही डोमिनेंट है ये डोमिनेंट नहीं है, तो दैट मीन्स अगेन हमें कलर क्या मिलेगा व्हाइट। अगर हम इनकी क्रॉसिंग करते हैं तो आपके पास जो एफ वन प्रोजेनी आ गया वो आ गया हिट्रोजाइगस। हिट्रोजाइगस में आपके पास सी और पी ये दोनों ही प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे इसका कलर क्या होगा
पर्पल, क्योंकि पूरे दोनों रिएक्शन इसमें चल सकते हैं। अब हमें सेल्फिंग करना है एफ वन पर चेन का, तो हम फिनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग सेल्फिंग करेंगे और हम फिर ये देखेंगे कि आपको फिनेटिपिक रेशियो इसमें क्या नजर आ रही है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में। सो सेल्फिंग अगर हम हेटरोजाइगस पेरेंट्स की करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हम स्टडी कर रहे हैं, तो दिस इज चेकर बोर्ड और पिनेट स्क्वायर गिवन बाय पिनेट एंड डेविसन। सो ये है क्या, ये एक जस्ट स्क्वेरिश फॉर्म में मैथमेटिकल फॉर्मेट है जिसमें हम क्रॉस के रिजल्ट्स निकालते हैं। आप इसमें जीनोटाइप्स देख सकते हो, फेनोटाइप्स देख सकते हो, और इससे हमें रेशियो पता चलती है कि फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो हमें क्या मिल रही है। सो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सबसे टॉप पे रोज में और कॉलम्स में हमें लिखना है गेमीज, कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। आपके पास हेटरोजाइगस पेरेंट है तो इसके कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं, सिंपल वे है, पहले आप कैपिटल सी एक एलील है इसके साथ सेकंड जो जीन है उसके एलील्स का कॉम्बिनेशन बनाओ, तो आपके पास एक बन गया जिसमें दोनों डोमिनेंट है। देन कैपिटल सी के साथ एक हम स्मॉल वाला ले लेंगे, देन स्मॉल सी के साथ कैपिटल पी, स्मॉल सी के साथ स्मॉल पी। जो कॉम्बिनेशन चार आपको इस पेरेंट के मिले वही कॉम्बिनेशन आपको इस पेरेंट के भी मिलेंगे, तो आपने वही चार कॉम्बिनेशन यहाँ और यहाँ लिख दिए। अब हम इनका क्रॉस करके यहाँ हर किसी के कॉलम में लिखेंगे कि आपके पास एक्चुअल जीनोटाइप क्या आ रहा है। जैसे इस केस में हमारे पास ये आ जाएगा, देन इसी को इसके साथ क्रॉस करेंगे, देन दिस विद दिस, दिस विद लास्ट वन। इसी तरह से हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आपके पास ये 16 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जीनोटाइप के। सो अब हम इनको वन बाय वन सबसे पहले फिनोटाइप के अकॉर्डिंग हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो जनरली ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि आपने दो जीन्स या टू पेयर ऑफ एलील्स ले रखा है, तो हमें जो यूजली रेशियो मिलती है एक नॉर्मल डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो आपके पास रेशियो होता है वो 9:3:3:1 होता है, ठीक है। और अब आप इसको इसके साथ भी चेक कर सकते हो। 9 में हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड क्या, अगर आपको पूरा ये टेबल नहीं बनाना है, स्क्वायर नहीं बनाना है, तो सभी डाइहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले हम ये वाली रेशियो लिख लेंगे, वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में भी हम इसमें से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री जीन्स का हर किसी का रेशियो हम इसी फॉर्मूला से निकाल पाएंगे। सो आपके पास 9:3:3:1 की रेशियो है जिसमें जो भी आपने टू जीन्स ले रखे हैं तो 9 जनरली नंबर इस तरह से होगा जिसमें एक कैपिटल सी श्योर है और सेकेंड हमारे पास होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटरोजाइगस भी हो सकता है। तो आप इसको डैश फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, यहाँ स्मॉल सी भी ले सकते हो कैपिटल सी भी, सिमिलरली स्मॉल पी भी कैपिटल पी भी। तो 9 आपके पास ऐसे आते हैं जो हम स्क्वायर में से भी चेक करेंगे। देन जो थर्ड 3 वाला आपने ले रखा है तो उसमें अब आप एक जीन को डोमिनेंट ले लो। सपोज मैंने सी का ले लिया, सी होमोजाइगस हेटरोजाइगस, तो आपने डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, बट जो दूसरा है उसको हमने लेना है होमोजाइगस रिसेसिव। यही ऑपोजिट दूसरे वाले सी में करो, तो आपने यहाँ पे ये होमोजाइगस रिसेसिव ले लिया और पी कैपिटल ले लिया, तो आपके पास 3 ऐसे होंगे, 3 ऐसे होंगे जिसमें एक जीन डोमिनेंट, इसमें दूसरा जीन डोमिनेंट, और 9 ऐसे होंगे जिसमें दोनों डोमिनेंट। जो 1 होता है हमेशा उसमें वो आता है कॉम्बिनेशन जिसमें सारा ही होमोजाइगस रिसेसिव होगा। तो यूजली हमें ये रेशियो मिलती है 9:3:3:1 जो आपके पास डाइहाइब्रिड रेशियो है। तो अब हम इसमें चेक करें अगर, तो आपके पास 9 आने चाहिए जिसमें दोनों डोमिनेंट है। देखा जाए तो फर्स्ट आपके पास ये है, हम ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जिसमें चारों आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट आ गया। ये सेकेंड आपका आ गया 9 हमें पूरे करने जिसमें दोनों जीन्स डोमिनेंट है वेदर होमोजाइगस और हेटरोजाइगस, ठीक है। देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, देन 7, 8 एंड 9, आपके पास 9 ये कंप्लीट हो गए। देन हमने कहा था 3 ऐसे होंगे जिसमें ये पी रिसेसिव होगा लेकिन सी होमोजाइगस और हेटरोजाइगस हो सकता है, तो हम एक तो ये ले सकते हैं जिसमें पी एंड पी, नंबर 1 ये हो गया, देन आपके पास नंबर 2 ये आ गया और नंबर 3 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें लेना है जिसमें स्मॉल सी है और लेकिन पी होमोजाइगस हेटरोजाइगस हो सकता है, आपके पास स्मॉल सी वाले ये हैं 1, 2, 3,
थ्री ऐसे हैं जिसमें स्मॉल सी होगा होमोजाइगस रिसेसिव, लेकिन पी का हेटेरोजाइगस होमोजाइगस हो सकता है, और इसके बाद देखा जाए तो सिर्फ एक ये रह गया जो आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव आता है। तो आपके इस स्क्वायर जो आपने बनाया है ट्विनेट स्क्वायर, उसमें जो 16 कॉम्बिनेशन थे उनमें हमने सही से ये बनाया कि 9 में दोनों होंगे, 3 ऐसे होंगे जिसमें 18 होगा, 3 ऐसे होंगे जिसमें दूसरा जीन, और 1 ऐसे जिसमें दोनों ही होमोजाइगस रिसेसिव। अब अगर नॉर्मल क्रॉस होता तो आपको ये जो फेनोटाइपिक रेशियो थी आपको ये मिलनी चाहिए थी, बट हम कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं जीन्स का, हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में हमें ये पहले बताया गया कि अगर दोनों जीन्स जो है डोमिनेंट है, लीस्ट डोमिनेंट है, तब आपको एक्सप्रेशन मिलता है। अगर उनमें से कोई एक भी डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है तो आपको एक्सप्रेशन को पर्टिकुलर फिनोटिपिक ट्रेट नहीं मिलेगा, इसमें तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो दोनों ही रिसेसिव हैं, बट इन केसेस में भी आपको वो फिनोटिपिक ट्रेट नहीं मिल पाएगा। तो जहां पे सी और पी दोनों डोमिनेंट है, इसका मतलब ये 9 हमें कौन सा कलर शो करेंगे, पर्पल। दोनों मिलते पूरा रिएक्शन कन्वर्ट कर देंगे और आपके पास पर्पल आ जाएगा। इस 3 में भी हमें व्हाइट कलर मिलेगा क्योंकि पी रिसेसिव है, यहाँ पे भी हमें व्हाइट कलर मिलेगा क्योंकि सी रिसेसिव है, और सी और पी में तो आपको वैसे भी व्हाइट कलर मिला था क्योंकि दोनों ही होमोजाइगस रिसेसिव हैं। तो बेसिकली ये सारे अब हमें क्या ट्रेट देंगे, व्हाइट। 3+3+1 मीन्स 7। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का रेशियो देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9:7। ये हमारे पास रेशियो हमेशा आता है। तो आप अगर ये स्क्वायर नहीं बनाना चाहते आप सिंपली ये लिख सकते हैं, और उसमें आप देखो कि हमारे पास कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का रेशियो हो गया 9:7, जिसमें 9 जो है वो पर्टिकुलर ट्रेट देंगे, जैसे इसमें हमने ले लिया पर्पल कलर, और जो 7 है वो उस पर्टिकुलर ट्रेट को नहीं दे पाएंगे क्योंकि इंडिविजुअल जीन जो है वो उसमें डोमिनेंट है। नेक्स्ट टाइप ऑफ जीन्स आर डुप्लीकेट जीन्स और स्यूडो एलील्स हमें नहीं कहते हैं। सो डुप्लीकेट जीन्स का मतलब जो डुप्लीकेट फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब सेम फेनोटाइप आपको कोई भी एक जीन प्रेजेंट होगा तो उससे आपको फेनोटाइप मिल जाएगा। टू पेयर्स ऑफ जीन्स डिटरमाइन सेम और नियरली सेम फेनोटाइप सो दैट ईदर ऑफ द टू जीन्स इज एबल टू प्रोड्यूस द कैरेक्टर। ईदर मीन्स कोई भी एक प्रेजेंट है तो आपको वो कैरेक्टर मिलेगा। तो बेसिक स्कीम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में दो स्टेप थे, दो स्टेप कंप्लीट होते थे तो फिनोटाइप मिलता था। यहाँ क्या है कि जो प्रिकर्सर है उससे हमें प्रोडक्ट चाहिए, वही प्रोडक्ट हमें पर्टिकुलर ट्रेट या फिनोटाइप दे रहा है। बट अगर एंजाइम टी, सपोज जीन एंजाइम कोड कर रहा है, तो जीन टी जो है वो जीन एंजाइम टी बना रहा है। सिमिलरली जीन डी जो है वो एंजाइम डी बना रहा है। तो अगर एंजाइम टी प्रेजेंट है तब भी प्रिकर्सर से प्रोडक्ट बन जाएगा, अगर सपोज वो नहीं प्रेजेंट और डी प्रेजेंट है तब भी प्रोडक्ट बन जाएगा, दोनों प्रेजेंट है तब भी बनेगा। अगर दोनों एबसेंट है वही एक केस है जहां पे आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया फ्रूट शेप इन शेफर्ड्स पर्स, तो जो फ्रूट शेप है उसमें जो प्रोडक्ट हम यहाँ ले रहे हैं वही ट्रेट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें ट्राइंगुलर शेप मिलता है। ट्राइंगुलर शेप हमें मिल सकता है सिर्फ टी अगर प्रेजेंट है तब भी, अगर डी प्रेजेंट है तब भी, और अगर दोनों प्रेजेंट है तो भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर दोनों रिसेसिव फॉर्म में है, मतलब दोनों की डोमिनेंस अगर नहीं है, तो आपको शेप डिफरेंट मिलेगा, फिर हम उसे कहते हैं इलॉन्गेटेड शेप। अगर हम इसकी क्रॉसिंग करें तो आपके पास हेटेरोजाइगस पेरेंट आ जाएगा, और अगर हम इसकी सेल्फिंग करें मींस ये F1 है, तो अगर हमें F2 प्रोजेनी में हम देखें तो इस तरह से सेल्फिंग करेंगे, तो आप स्क्वायर बना के कर सकते हो या हम शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। आपको पता है इस सेल्फिंग में हमें अगेन रेशियो जो बेसिक है वो 9:3:1 है, ठीक है। तो आपके पास 9 का मतलब क्या है, जिसमें दोनों जीन्स जो है वो डोमिनेट लेंगे, वेदर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। और 3 हम ऐसे लेंगे जिसमें एक जीन आप डोमिनेट ले लो, दूसरा रिसेसिव, देन नेक्स्ट 3 में आप फर्स्ट वाला रिसेसिव ले लो, सेकंड वाला आप हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस डोमिनेंट ले सकते हो, लास्ट वाला वो होता है जिसमें सभी होमोजाइगस रिसेसिव होते हैं। तो अगर हम इस केस को दें तो अगर आपके पास दोनों जीन्स डोमिनेंट है तब भी आपको ट्राइंगुलर मिलेगा, अगर एक भी डोमिनेंट है, टी भी डोमिनेंट है तब भी ट्राइंगुलर मिलेगा, डी डोमिनेंट है तब भी ट्राइंगुलर मिलेगा, बट जब दोनों ही रिसेसिव है तो हमें ट्राइंगुलर शेप नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये तीनों ही एक ही टाइप का ट्रेट दे रहे हैं, तो अगर हम इसको प्लस करें तो आपके पास 15 आ जाएगा, और 1 जो है वो इलॉन्गेटेड शेप देगा। That means आपके पास duplicate genes का जो phenotypic ratio है वो क्या हो गया, 15:1। Duplicate genes में 15 जो combination है उसमें आपको same trait मिलेगा, elongated shape, sorry triangular shape जैसे हमने लिया, और 1 जो recessive है उसमें हमें मिलेगा elongated shape। तो ये ratio fixed है for duplicate genes, 15:1। Next type of genes are collaborator genes।
दैट मीन्स जीन्स प्रेजेंट ऑन सेपरेट लोसाई है बट इन्फ्लुएंस सेम ट्रेट, डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट है बट एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं. दे इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस सम टोटली न्यू ट्रेट और फिनोटाइप दैट नीदर ऑफ जीन्स बाय इटसेल्फ कुड प्रोड्यूस. मतलब हर जीन का अपना एक ट्रेट है, एक जीन डोमिनेट है उसका अपना ट्रेट आएगा, दूसरा जीन डोमिनेट है उसका अपना ट्रेट आएगा, बट जब वो दोनों प्रेजेंट है दे इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस सम टोटली न्यू ट्रेट, वो नया ट्रेट बना देंगे. सो अगर सपोज हमारे पास पेरेंट्स दे रखे हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ कॉम्स इन पोल्ट्री. सो अगर आर जीन डोमिनेंट होता है तो बेसिकली जो हमें कॉम मिलती है वो रोज कॉम मिलती है, आर का अपना ट्रेट है. सिमिलरली अगर पी कैपिटल है, पी डोमिनेंट है तो हमें जो कॉम मिलता है वो पी कॉम मिलता है, पी का अपना ट्रेट हो गया. बट जब वो दोनों आपके पास एफ वन प्रोजेनी में जब हेटरोजाइगस पेरेंट आ जाएगा, एफ वन में वो मिलके एक नया ट्रेट बना देंगे जिसको हम कह देंगे वॉलनट कॉम. सो अगर हम एफ टू प्रोजेनी लेते हैं, आप सेल्फिंग करते हो आर आर पी पी, तो एफ टू प्रोजेनी में अगेन आपके पास रेशियो वही रहेगा 9:3:1. ठीक है, 9 में आपके पास आर पी, हम दोनों डोमिनेंट लेंगे, एक में आप आर डोमिनेंट ले लो पी स्मॉल, एक में आर स्मॉल पी डोमिनेंट, और एक हमारे पास होगा जिसमें सारे होमोजाइगस रिसेसिव होंगे. सो जब हमारे पास दोनों प्रेजेंट हैं तो दोनों मिलके नया ट्रेट दे देते हैं, वो हमने पहले किया वॉलनट. दैट मीन्स दोनों मिलके हमें एक नया ट्रेट देंगे तो हमने कॉम कहा वॉलनट कॉम हमें मिलेगी. जब आपके पास एक डोमिनेंट है दूसरा नहीं, तो इस जो डोमिनेंट होगा उसका अपना ट्रेट आएगा, दैट मीन्स आर का अपना ट्रेट आएगा. आर का ट्रेट क्या है यहाँ पे, रोज कॉम. सिमिलरली अगर हम ये लेते हैं जिसमें स्मॉल आर है और पी कैपिटल, इसका मतलब पी का अपना ट्रेट आएगा, पी का ट्रेट क्या है पी कॉम. और अगर ये दोनों ही डोमिनेंट नहीं है तो हमें सिंगल कॉम मिलता है. तो दैट मीन्स अगर इस केस में हम देखें तो फिनोटाइप हर एक रेशो के केस में डिफरेंट है. तो आपके पास सेम कोलैबोरेटर जीन्स की वही रेशो रहती है जो आपको नॉर्मली डाइहाइब्रिड क्रॉस में मिलती है, 9:3:1. सेम फिनोटाइपिक रेशो हमें मिलेगी कोलैबोरेटर जीन्स में. नेक्स्ट टाइप ऑफ जीन्स आर इनहिबिटिंग जीन्स, और एपिस्टेटिक जीन भी आप कह सकते हो, फिनोमेनन इज नोन एज एपिस्टेसिस. सो आपके पास इस इंट्रैक्शन क्या होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन नॉन एलिलिक है, अगेन प्रेजेंट है डिफरेंट लोकसाइ, वेयर वन जीन मास्क द इफेक्ट और एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन. तो नॉन एलिलिक में से एक एलील या एक जीन ऐसा होगा जो दूसरे के एक्सप्रेशन को मास्क करेगा. अब डिपेंडिंग अपॉन की जो इनहिबिटिंग जीन है उसको ही हम एपिस्टेटिक जीन बोलते हैं, जो दूसरे को इनहिबिट करता है, जिसको इनहिबिट किया जा रहा है, जिसका एक्सप्रेशन सप्रेस किया जा रहा है, जो इनहिबिट हो रहा है उसको हम टर्म देते हैं हाइपोस्टेटिक जीन. अब जो इनहिबिट करने वाला जीन है मींस एपिस्टेटिक जीन है, अगर वो डोमिनेंट है तो हम उस टाइप को कहेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस. फर्स्ट एग्जांपल लाइक हम ले लेते हैं कोट कलर ले सकते हैं हम डॉग्स में, या फ्रूट कलर लेते हैं हम कुकुरबिटा समर स्क्वैश में. सपोज हम कोट कलर देते हैं डॉग्स में तो उसमें हमें क्या दिया है कि अगर बी डोमिनेंट है, बी एलियन जो है वो कलर प्रोवाइड कर रहा है, अगर बी डोमिनेंट है तो ब्लैक कलर आता है, अगर वो रिसेसिव है तो ब्राउन कलर आता है. बट उसका कलर कौन सा आएगा वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसके साथ एपिस्टेटिक जीन प्रेजेंट कौन सी कंडीशन है. अगर वो डोमिनेंट में है तो अगर कैपिटल आई है, आई यहाँ हम एपिस्टेटिक जीन के लिए रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अगर आई कैपिटल है दैट मीन्स वो डोमिनेंट है तो वो एपिस्टेसिस शो करेगा. अगर आई डोमिनेंट है तो बी चाहे कोई भी आपको दिया है, चाहे बी कैपिटल है चाहे बी स्मॉल है, उसका कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आएगा क्योंकि वो इसके एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा. तो जहां भी आई कैपिटल है हमारे पास कलर क्या आ गया व्हाइट. अगर आई स्मॉल है फिर हम ये देखेंगे कि आगे आपके पास बी का कॉम्बिनेशन क्या है. जैसे यहाँ पे स्मॉल बी है रिसेसिव है तो हमें कलर क्या मिलेगा ब्राउन. जब हम एफ वन प्रोजेनी लेते हैं तो सेल्फिंग से आपके पास हेटरोजाइगस पेरेंट आ गया, लेकिन क्योंकि आई डोमिनेंट है तो अगेन हमारे पास जो कलर आएगा वो क्या आएगा व्हाइट. सो अगर हम इस केस में रेशो देखें तो आपके पास वही 9:3:1 की रेशो आती है, जिसमें हम दो हेटरोजाइगस लेंगे, इनमें से आप एक को ले सकते हो और इसको रिसेसिव, देन सेकेंड वाले केस में आप फर्स्ट जीन को रिसेसिव कर लो और सेकेंड को आप ले सकते हो हेटरोजाइगस, और लास्ट हमारे पास ये आ गया. ठीक है, तो अब हम ध्यान से देखेंगे कि अगर आपके पास, अब इसमें ये नहीं देखना दो डोमिनेंट है ये क्या है, आपको ये देखना है कि आई कैसा है. अगर तो आई प्रेजेंट है डोमिनेंट स्टेज में जो आपके पास यहाँ प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये कलर आगे बी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये देखना है कि आई कैसा है. आई डोमिनेंट है दैट मीन्स वो एपिस्टेसिस शो करेगा, तो कलर आपके पास क्या आ जाएगा व्हाइट. सिमिलरली यहाँ पे आई स्मॉल है तो इसका मतलब उसका एपिस्टेटिक इफेक्ट नहीं है. अब हम देखेंगे अगर आई स्मॉल है तो बी क्या है, क्योंकि बी यहाँ पे क्या है डोमिनेंट, तो कलर क्या देगा वो ब्लैक. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में अगेन आई जो है वो डोमिनेंट है, तो उसका मतलब ये भी कौन सा कलर देगा फिर से व्हाइट. अब इस केस में आई जो है वो रिसेसिव है तो हम देखेंगे बी का क्या कॉम्बिनेशन है, बी जो है वो
स्मॉल है तो इसका मतलब हमें कलर क्या मिलेगा, ब्राउन। तो आपके पास थ्री ब्लैक है, वन ब्राउन है और व्हाइट, आपके पास ये थ्री है और नाइन है, तो इसका मतलब टोटल आपके पास हो गए 12। तो आपके पास जो रेशियो बना वो 12:3:1, जैसे इस केस में बनेगा व्हाइट इज टू ब्लैक इज टू ब्राउन। ठीक है, सिमिलरली हमें फूड कलर कोकोबिटा में भी सेम यही रेशियो मिलता है। तो दैट मीन्स डोमिनेंट एपिस्टेसिस में हमें रेशियो क्या मिलता है, 12:3:1 फेनोटिपिक रेशियो है। एक और एग्जांपल हम लेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस का, कोट कलर इन चिकन्स। तो इसमें अगेन आई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एपिस्टेटिक जीन को। अगर सी डोमिनेंट है तो आपको एक पर्टिकुलर कलर फिनोटाइप मिलता है, अगर सी रिसेसिव है तो वो फिनोटाइप नहीं दे सकता, तो वो व्हाइट कलर देता है। और आई जो है अगर प्रेजेंट है तो वो सी का एक्सप्रेशन नहीं आने देता, तो अगेन आपको व्हाइट कलर मिलेगा। तो अगर हम इस केस में भी ये वाली रेशियो बनाए 9:3:1, तो आपके पास कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं कि अगर आपके पास सी होमोजाइगस और हेटरोजाइगस दोनों अगर हम डोमिनेंट लेते हैं, देन आपके पास ये डोमिनेंट ये रिसेसिव, देन ये रिसेसिव और आई डोमिनेंट और लास्ट वाले में हम दोनों ही होमोजाइगस रिसेसिव। तो जहां पे आपके पास आई, क्योंकि डोमिनेंट का एग्जांपल है आई, जहां भी कैपिटल है इसका मतलब वहां एपिस्टेसिस है। आई जहां डोमिनेंट है वहां वो सी के एक्सप्रेशन को नहीं आने देगा, तो कलर आपको क्या मिलेगा, व्हाइट। यहां आई रिसेसिव है तो हम देखेंगे सी की वजह से आपको कलर मिलेगा। यहां अगेन आई जो है वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट है तो इसका मतलब वो फिर से कौन सा कलर देगा, व्हाइट। सो जो लास्ट वाला केस है आपके पास, उसमें जो आई है वो रिसेसिव है तो एपिस्टेसिस तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि सी जो है वो रिसेसिव है डोमिनेंट नहीं है, तो दैट मीन्स वो भी कलर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो अगेन जो आपको फिनोटाइप मिलेगा वो कैसा मिलेगा, व्हाइट। अगर अब हम काउंट करें तो रेशियो में आपके पास सिर्फ थ्री कलर हैं और बाकी सब के सब व्हाइट हैं, 9, 10, 13। तो दैट मीन्स इस डोमिनेंट एपिस्टेसिस में जो रेशियो आपको मिलता है वो 13:3। ये एक स्पेशल केस है जिसमें 12:3:1 की जो रेशियो है वो मॉडिफाई हो गया 13:3 की रेशियो में। सो ये भी एग्जाम्पल है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होगा, आपके पास जो एपिस्टेटिक जीन है वो अपना एपिस्टेसिस या इनहिबिटिंग इफेक्ट तब शो करेगा जब वो रिसेसिव कंडीशन में है। तो हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एपिस्टेटिक जीन और कोई कलर ये नहीं दे रहा है, तो हम कहेंगे एल्बिनो हमें फिनोटाइप मिलेगा। तो आपके पास पेरेंट्स हमने दो ले लिए, एक है एगाउटी, ए की वजह से हमें एक्सप्रेशन आ रहा है एगाउटी, सी तो यहाँ पे एपिस्टेटिक जीन है स्मॉल सी होगा तो एपिस्टेसिस है, तो स्मॉल सी है तो इसलिए वो सिर्फ हमें क्या फिनोटाइप मिलेगा, एल्बिनो। अब हमारे पास F1 प्रोजेनी में आपके पास हेटरोजाइगस आ गया, पर क्योंकि सी जो है वो कैपिटल है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, स्मॉल सी होगा तब हमें एपिस्टेटिक इफेक्ट मिलेगा, एल्बिनो। सो यहाँ पे ए की वजह से हमें फिर से कौन सा कलर मिल रहा है, एगाउटी। तो आपके पास कोट कलर जो है माइस का वो ए अगर डोमिनेंट है तो एगाउटी, अगर ए रिसेसिव है तो ब्लैक कलर। जब हम इसकी सेल्फिंग करेंगे F2 पर जाएंगे तो हमारे पास अगले 9:3:1 की रेशियो मिलेगी। तो अगर हम ये रेशियो देखें तो 9 में हम सी और ये हेटरोजाइगस ले लेंगे, लाइकवाइज एक हम रिसेसिव ले लेंगे, देन स्मॉल सी आप ले लो और ए जो है वो हेटरोजाइगस, और एक कॉम्बिनेशन है जिसमें सभी होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। जहां पे भी हमारे पास अब स्मॉल सी है इसका मतलब वो अपना एपिस्टेटिक इफेक्ट दिखाएगा, तो ये दो जो हैं वो आपको क्या कलर शो करेंगे, एल्बिनो, क्योंकि इसमें कोई आपका कलर नहीं आएगा, सी का एपिस्टेटिक इफेक्ट होगा चाहे ए डोमिनेंट है चाहे ए रिसेसिव है। जहां पे सी डोमिनेंट है अब वहां हम देखेंगे ए का कॉम्बिनेशन क्या है, अगर ए डोमिनेंट है तो हमें कलर जो मिलेगा दैट विल बी एगाउटी, और अगर ए स्मॉल है तो हमें जो कलर मिलेगा दैट विल बी ब्लैक। तो देखा जाए इस केस में रिसेसिव एपिस्टेसिस में कोट कलरिंग माइस में आपको रेशियो क्या मिलता है, 9:3:4, 9 इज एगाउटी, 3 इज ब्लैक एंड 4 इज एल्बिनो ड्यू टू एपिस्टेटिक इफेक्ट ऑफ सी। स्मॉल सी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एपिस्टेटिक इफेक्ट। सो डोमिनेंट एपिस्टेसिस में आपको 12:3:1 मिला था, चिकन्स के केस में थोड़ा मॉडिफाई हो गया था 13:3 मिला था, लेकिन रिसेसिव एपिस्टेसिस में हमें 9:3:4 रेशियो मिलता है। लास्ट टाइप ऑफ इंटरक्शन इज सप्लीमेंट्री जीन्स, वेयर टू इंडिपेंडेंट पेयर्स ऑफ डोमिनेंट जीन्स इंटरैक्ट इन सच अ वे दैट वन डोमिनेंट जीन विल प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट वेदर द अदर इज प्रेजेंट और नॉट। एक डोमिनेंट जीन तो अपना इफेक्ट देगा चाहे दूसरा प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, बट द सेकेंड डोमिनेंट जीन व्हेन एडेड चेंजेस द एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट वन, जब हम दूसरा जीन एड करते हैं तो वो उसके एक्सप्रेशन को चेंज कर देता है।
तो हम सेम कलर सेम एग्जांपल ले सकते हैं, कोट कलर जो हमने रैट्स गिनी पिग्स और माइस में किया था, तो हमने ये कहा था कि स्मॉल सी जो है वो एपिस्टेटिक इफेक्ट देता है, तो अगर स्मॉल सी प्रेजेंट है तो वो एपिस्टेसिस शो करेगा और कोई भी आगे प्रेजेंट है वो आगे उसका कलर जो है वो एल्बिनो ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ए और सी में एक और रिलेशन देखें तो इसमें सप्लीमेंट्री जीन्स का रिलेशन भी है कि अगर हम कैपिटल सी की बात करें तो सी कैपिटल सी जो है वो एपिस्टेटिक नहीं है, कैपिटल सी जो है वो सप्लीमेंट्री एक्शन शो कर रहा है, तो स्मॉल सी अगर दिया है फिर तो हमें श्योर है कि वो एपिस्टेटिक है, इसलिए वो एल्बिनो कलर देगा, तो हम आगे नहीं देखेंगे कि ए किस फॉर्म में प्रेजेंट है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, क्योंकि स्मॉल सी एपिस्टेटिक है तो कोई भी फॉर्म होगी आगे ए की वो एल्बिनो कलर हमें देगा। बट अगर कैपिटल सी प्रेजेंट है तो ऐसा कहा गया है कि कैपिटल सी की वजह से एक्चुअली हमें ब्लैक कलर मिलता है, सी अगर डोमिनेंट है तो आपको ब्लैक कलर मिलेगा, और अगर इसमें ए भी ऐड कर दिया जाए डोमिनेंट, क्योंकि वो कह रहा है कि एक डोमिनेंट जीन तो अपना इफेक्ट देगा चाहे दूसरा प्रेजेंट है चाहे नहीं, इसका मतलब अगर सी कैपिटल प्रेजेंट है चाहे ए स्मॉल है चाहे डोमिनेंट है वो ब्लैक कलर देगा, बट अगर ए कैपिटल इसके साथ प्रेजेंट होता है तो ए इसके एक्सप्रेशन को चेंज कर देता है और बना देता है एगाउटी, इसका मतलब सी की वजह से हमें एक्सप्रेशन एगाउटी तब मिलेगा जब ए भी साथ में प्रेजेंट हो, वही हमने कहा था 9 में आपके पास दोनों जीन्स डोमिनेंट होंगे, तो इसका मतलब सी की वजह से आपको एगाउटी कलर तब मिल रहा है क्योंकि ए प्रेजेंट है, तो ए सप्लीमेंट्री एक्शन दे रहा है उसके उसको मॉडिफाई कर दे रहा है, और जो हमने ये 3 लिए थे सपोज अगर हम इसमें डोमिनेंट ये लेते हैं आपके पास रेशियो ये बन रहा था, बेसिक रेशियो ये है जिसमें अगर सी डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव, सी रिसेसिव सेकेंड डोमिनेंट और लास्ट वाले में आपके पास दोनों रिसेसिव, तो जहां सी स्मॉल सी रिसेसिव है वहां तो हमने कहा एपिस्टेटिक एक्शन है तो आपको एल्बिनो ही मिलेगा, तो एल्बिनो है क्योंकि और स्मॉल सी है तो स्मॉल सी का अपना कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कैपिटल सी का एक्सप्रेशन है, कैपिटल सी का एक्सप्रेशन जनरल ब्लैक है, अगर ए प्रेजेंट है तो मॉडिफाई कर देगा गाउटी में, पर स्मॉल सी रिसेसिव है तो उसका अपना एक्सप्रेशन नहीं है, तो स्मॉल सी की वजह से एल्बिनो कलर आपको मिला, और ये कैपिटल ए या स्मॉल ए हम ये भी कह सकते हैं कि एपिस्टेटिक इफेक्ट भी शो कर रहा है, तो अगर स्मॉल सी प्रेजेंट है तो आपको कोई भी कलर उसमें नहीं मिलेगा एल्बिनो मिलेगा, जब कैपिटल सी प्रेजेंट है तो दोनों केसेस में हमें ब्लैक मिलना चाहिए था क्योंकि सी का अपना कलर ब्लैक है, बट जब ए नहीं प्रेजेंट है तो सी अपना कलर ब्लैक दे रहा है, बट जो ए प्रेजेंट है तो वो अपना सप्लीमेंट्री एक्शन शो कर देगा और सी के कलर जो ब्लैक होना चाहिए था उसको चेंज कर देगा इंटू एगाउटी, तो आप एपिस्टेटिक में याद रखो कि स्मॉल सी एपिस्टेटिक एक्शन दे रहा है बट कैपिटल सी जो है उसके एक्सप्रेशन को चेंज किया जा रहा है बाय ए, ए अगर प्रेजेंट है तो एक्सप्रेशन चेंज एगाउटी, अगर ए प्रेजेंट नहीं है तो सी अपना नॉर्मल एक्सप्रेशन देगा ब्लैक कलर, तो इस केस में हमें रेशियो मिलेगा 9:3:4।